ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وإطرته وأولياء أمته أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم ليلة القدر خير من ألف شهر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پاک پڑھنا ہے کہ واقعی تسی میری گفتگو سننا چاہندے ہو اگر تسا درود پاک محبت نال پڑھیا تے میں نہیں سمجھا ویسی واقعی میری گلاں اے ٹٹے پھٹے الفاظ سننا چاہندے نے ہن پتہ لگ گیا تسی آپ اپنے آقا دی ذات تے محبت نال درود پاک پڑھو میں اپنی گفتگو دا آغاز کردا انشاءاللہ السلام عليك يا سيدي يا رسول الله بآواز بلند السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ما شاء الله تو سب بڑیاں خوبصورت آوازاں سنیاں نے میں تھوڑا جا ذوق پیدا کرن واسطے ایک کلام دے دو اشعار پیش کر ساں اس تو بعد انشاءاللہ او طریقہ یعنی کہ او سوز و گداز ہو سکدے تو نہ ملے لیکن ماشاءاللہ میں بھی پوری کوشش کرنی ہے اج دی اس بابرکت رات دے اندر اللہ کریم میری تو ہڈی حاضری نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے تے سارے انج سمجھ لو کہ اسی اج مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آکھو سبحان اللہ خالی نہ موڑی خالی نہ موڑی ہو تے باد سایا
जग छड़ के सारा मैं तेरे दर ते खाले न मोड़े हो तैबाद साया जग छड़ के सारा मैं तेरे दर ते हा तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाल तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाल कोई या वैसे कोई बिलाल शान्या तो बद के शान्या तो बद के हो तेरिया गदाया शान्या तो बद के हो तेरिया गदाया जग छड़ के सारा मैं तेरे दर ते हा पंज तन दा सदका मैनू खैर पावे पंज तन दा सदका मैनू खैर पावे वक्ते नजाते ओ मुखड़ा विखावे हा एवें नहीं सोना में नहीं सोना हो तेरे नाल लाया में नहीं सोना हो तेरे नाल लाया जग छड़ के सारा मैं तेरे दर ते जेड़े मेरे मुस्तफा दे गुलाम ने ना वो किसी गैर तो जाके मंगदे अरे अकीदा है ना फिर शहर ने एक दर्स दिता है तवज्जो ना समाज करो ते एक बारी प्यार ना कह दियो सुभान अल्लाह हा हर दर तो जफरी साथों नहीं मगीदा हर दर तो जफरी साथों नहीं मगीदा जे तू ना मनी वे और रब ने मनीदा जे तू ना मनी वे और रब ने मनीदा हुण माफ कर चा हुण माफ कर चा मैं बड़ी दो रोइया जग छड़ के सारा मैं तेरे दर ते आया हो तेरे दर ते आ हर दर तो जफरी साथों ने मंगीदा हर दर तो जफरी साथों ने मंगीदा जे तू ना मनी वे और रब ने मनीदा हुण माफ कर चा मैं बड़ी दो रोया जग छड़ के सारा मैं तेरे दर ते ब्रदरान इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदूह दी जात दा एक खास करम है उस मालक दी एक खास अनायत है कि जिस परवरदिगार आलम ने मैं और आप अहबाब नू अपने पाक घर दे अंदर और अज दी इस बाबरकत मुकद्दस रात दे अंदर इकट्ठा होके अपना जिक्र अपने महबूब दा जिक्र करन दी मालक ने तौफीक अता फरमाई माशाल्लाह अज दी ए पुरवकार इसाले सवाब दी माफले पाक जो के बिरादरी मुकर्रम भाई गुलाम दस्तगीर साहब ने अपने वालदे गिरामी नज़र मुहम्मद मरहूम व मगफूर दे रूहे पाक नू इसाले सवाब करन लई महफले पाक दा इनेकाद कीता किबलाकारी हजरत अलामा मौलाना मुहम्मद इरफान सुहेल हैदरी दामा बरकातुम हुल कुदसिया ने मैनू हुक्म दिता मैं आप दे हुक्म दे नाल
इस महफल के अंदर हाजर हाँ। दुआ है खल्ला के आलम की बारगाह के अंदर अल्लाह करीम मेरा पढ़ना और तुहाडा सुनना अपनी बारगाह विच कबूल फरमा लो। तो बरादरान जी कदर जड़ा मौजू मैं दिता गया है वह है इसाले सवाब के है। थोड़ा जहा बोल सो यार, मैनू पता तो है कि तुम थके बैठे हो, टाइम काफ़ी हो गया तो रमज़ान का महीना है, लेकिन मैं कोई लम्मी चौड़ी गुफ्तगु नहीं कर लगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर सक कि थोड़े जे टाइम के अंदर चंद गल्लां तुहाडी खिदमत चरज करा ताकि तुम उन्होंने पल्ले बन लो तो इंशाल्लाह इस दुनिया के अंदर भी और अगले जहान के अंदर भी साड़ी बिगड़ी बन जाए। तो बरादराने जी कदर ए इसाले सवाब दी महफिल है ते आज रात है लैलतुल कदर, क्योंकि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है मेरे सहाबा तुसी रमजानुल मुबारक दे आखरी अशरे दे अंदर ताक रातां दे विच्चों लैलतुल कदर नू तलाश कीता करो। ते तुहानू पता है कि आज कड़ी रात है 29 रमजानुल मुबारक दी, ए भी ताक रात है। जरा उच्चा बोलो तो सही, ताक रात है ना। अल्लाह करीम दी जात ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दी उम्मत नू चार खास इनामात तो नवाजे। आखो सुभान अल्लाह, उम्मत बड़ी खुशकिस्मत है, नबी दुआवां मंगदे गए, लेकिन सुभान अल्लाह अगर कोई बंदा मोतबिर गल करे ना तो बंदा दे इस गल विच शक रह सकदा। उच्चा बोलो, गल चो शक रह सकदा। और पूरे ग्रां दा अगर कोई लंबरदार गल करे ना अपनी पंचायत दे अंदर बैठ के असी उस उत्ते मुतफिक हो जाने आदियां वजड़ी इस गल कर छड़ी ए बिल्कुल इंज समझ लो वह पत्थर उत्ते लीक मार छड़ी। ते जे गल करे खालक आखो सुभान अल्लाह, गल करे खालिक। मैं कोशिश करनी है या कुरान पढ़ना है या मुस्तफा दा फरमान पढ़ना। ब्रदराने जी कदर अल्लाह दे प्यारे महबूब बल्कि खाल के कायनात माल के कायनात ने फरमाया कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। खाल के कायनात ने दोस्ता कोई बंदा पे गल नहीं करदा, कोई किसे नबी दा फरमान नहीं है, किसे मुहद्दस या किसे मुहक्कक दी गल नहीं पिया करदा, बल्कि मैं खालक दा कुरान पिया करदा बयान करदा। मेरे खालक ने फरमाया ए सुनिया तेनू जिस तरह सारे नबिया दे विचो शाना अता कीतिया ने इस तरीके दे नाल तेरी उम्मत नू सारिया नबिया दे विचो बेहतरीन उम्मत करार दिता है। खालक ने फरमाया कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। आ दोस्ता मैं तेनू दसना चाहना वा अल्लाह करीम दी जात ने अपने महबूब दी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नू केड़े चार खास इनाम अता कीते ने, जेड़े पहले नबी आंदे रहे ने उना नबियां नू उना नबियां दियां उम्मतां नू बल्कि इनाम नहीं मिले जेड़े अल्लाह करीम ने मेरे महबूब दी उम्मत नू जिन्हां इनामां दे नाल नवाज रखिया है। दोस्ता मैं दसना चाहना वो केड़ा पहला केड़ा इनाम है, एक बार गज के आखो सुभान अल्लाह। बरादरा ने जी कदर आओ आओ दसना चाहना वा पहला इनाम अल्लाह ने अपने महबूब दी उम्मत नू जड़ाया ता कीता है। ए भी मैं गल कुरान दे विचों करनी है ना हदीस बयान करनी है ना किसे मुहक्कक दा बयान करना है ना ही मुहद्दस दी गल करनी है या खुदा दी करनी है या मुस्तफा दी करनी है। हल्के कायनात ने फरमाया क्योंकि अलामा साहब ने भी इस आया करीमा नु मौजूए सुखन बनाया है। खालक ने ऐलान कीता है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र हजार महीनिया तो बेहतर है। आ दोस्ता गल पिया कौन करदा है? मेरा रब पिया गल करदा है, रब दा कुरान बयान पिया करदा है। अल्लाह करीम ने अपने महबूब दी उम्मत नु जड़ियां चार शाना वालियां रातां अता कीतियां ने, जेड़ा बंदा उन्हां रातां दे अंदर दो रकत नफल अदा करदा है अल्लाह करीम उन्हां नु हजार महीनिया तो वध के अपनी बार गादे विच्चो अजरो सवाब अता फरमांदा है। क्योंकि पहलियां नबियां दियां भी उम्रां भी ज्यादा ते पहले नबियां दियां उम्मतां दियां उम्रां भी
ज्यादा। अल्लाह करीम ने एक खास इनाम किया है मेरे महबूब की उम्मत दे उते चार शाना वालिया रातां अता कीतियां ने, जिन्हां रातां दे विच्चों दोस्त अज तुसी बड़े खुश नसीब हो। रमजान उल मुबारक का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत, तीसरा अशरा जहन्नम तो आजादी वाला अशरा है। उस अशरे के अंदर अज 29 रमजान उल मुबारक की ताक रात के अंदर दोस्ता अल्लाह के घर के अंदर बैठ के फिर तू कितना खुश नसीब क्यों ना होवे, रब दा कुरान पिया सुनना है या मुस्तफा दा फरमान पिया सुनदा है। पहला इनाम अल्लाह करीम ने जड़ा मेरे महबूब दी उम्मत नु अता कीता है ओ लैलतुल कदर चार ओ शाना वालियां रातां अता कीतियां ने, जिन्हां रातां दे विचो लैलतुल कदर वाली रात है। लैलतुल कदर ओ रात है जिहड़ी हजार महीनियां तो बेहतर रात है। जिहड़ा बंदा मेरे महबूब दा फरमाने आली शान है, जिहड़ा बंदा दो रकत नफल अदा कर दे अल्लाह करीम उसनु हजार महीनियां तो वध के सवाब अता फरमाउंदा है। पहला इनाम। दूसरा इनाम, नबी आउंदे रहे लेकिन अल्लाह करीम ने इबादत जड़ी जिस जगह ते मखसूस जगह दा इंतखाब कीता गया, अगर 200 मील दे उत्ते जाके भी इबादत करनी है ते उत्थे ही इबादत होनी है, लेकिन अल्लाह करीम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी उम्मत नो दूसरा इनाम, जिस वक्त हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इस जमीन दे उत्ते अपना कदम मुबारक रखिया है ना, दूसरा इनाम उम्मत दे वास्ते ए बन गया अल्लाह करीम ने सारी जमीन नु मस्जिद बना छड़िया है। सारी जमीन नु रूह जमीन नु के बना छड़िया है, मस्जिद बना छड़ी है। ऐ दोस्ता तू जिथे भी हल पिया चलांदा होवे, जिथे भी काम पिया करदा होवे, जिस वक्त तेरे कन्ना दे अंदर अल्लाह अकबर दी आवाज आउंदी है तू उसी जगह दे उते अपनी जबीने नियाज नु झुका के रब दी बारगाह च अपनी हाजरी पेश कर सकदा। दूसरा इनाम अल्लाह करीम ने अपने महबूब दी उम्मत नु ए दित्ता है कि सारी रूहे जमीन नु मस्जिद बना छड़े है, यानी कि पाक कर छड़ी है सारी जमीन। दूसरा इनाम। तीसरा इनाम, एक बार गज के आखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीसरा इनाम अल्लाह करीम ने अपने महबूब दी उम्मत नु ए अता कीता है, पहलियां उम्मतां जिस वक्त उन्होंने इबादत करनी होंदी है पानी तलाश करते सन, लेकिन दोस्ता ये महबूब दी उम्मत दी शान है, अगर दोस्ता तेनु पानी नहीं पिया मिलता अल्लाह ने मिट्टी नु पाक कर छड़िया है, मिट्टी दे नाल तयम्मम करेंदा गया तू पाक हो जावेंदा गया रब दी बारगाह च हाजरी दे सकेगा। और चौथा इनाम अल्लाह करीम ने जड़ा महबूब दी उम्मत नु अता कीता है वह है कि जिस वक्त भी जहाद किया जाता सी ना, और जहाद के अंदर जड़ा माले गनीमत बचता सी अल्लाह करीम ने महबूब दी उम्मत दे उत्ते उसनु भी हलाल करार दे दिता है। ये चार इनाम अल्लाह करीम ने अपने महबूब दी उम्मत नु अता फरमाए ने। तो बरादरान ने जिक्र आओ लैलतुल कदर के हवाले नाल मैं एक गल नु टच कीता है, हुण आओ जरा इसाले सवाब के हवाले नाल चंद गल्लां करके इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू नु समेटना है। एक बार गज के आखो सुभान अल्लाह, जरा सुन्नी कुरान सुन के ते किस तरह कहंदे सुभान अल्लाह, प्यार नाल कहो सुभान अल्लाह। बरादरान ने जिक्र खाल के कायनात माल के कायनात राज के कायनात ने फरमाया मां आमिला सवालह जाकर ओ उनसा वहुवा मोमिन फलानो ये यन्नहु हयात तो ये दोस्ता मैं दसना चाहना वा खालके कायनात ने इरशाद फरमाया मन आमिला सवालहम तो हाडे विचो जड़ा भी को चंगा अमल करे चंगा काम करे कौन प्याखद है अल्लाह, कौन प्याखद है जरा उच्चा बोलो कौन फरमांदा है अल्लाह। मन आमिला सवालहम मिन जाकरिन औ उनसा अल्लाह करीम ने फरमाया या वो मर्द होवे पावे होवे औरत, मर्द होवे ते पावे होवे, उच्चा बोलो मर्द होवे या होवे, सीगा लाया रब्बुल आलमीन ने मुअन्नस और मुजक्कर दा फरमाया मर्द होवे या औरत होवे, फरमाया वा हुवा मोमिनुन शर्त या के होवे मोमन होवे, उच्चा बोलो होवे होवे मोमिन फलानो हये यन्नाहु हयातन तैयबा असी उसनु मुतहरा पाकीजा जिंदगी अता फरमा देने, असी उसनु के कर दे मुतहरा पाकीजा जिंदगी
अता फरमा देने आ ब्रदरान ने जी कदर जिस तरह के ब्रदरे मुकर्रम भाई गुलाम दस्तगीर साहब ने आज मैनू भी दावत दीती है। माशाल्लाह जैद नक्शबंदी साहब नु बुलाया, राजा बिलाल साहब नु बुलाया, गिला ग्रां दे लोगां नु इकट्ठा कीता। क्यों कीता? आज मेरे वालदे गिरामी दे साल वाला दिन आ गया है, मैंने अपने वालदे गिरामी दी रूह नु ही साल करना चाहना। आओ आओ सहाबा ने किस तरह ये तरीका इख्तियार कीता है, सहाबा ने दस्या है। आओ आओ करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे से सहाबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू हुरैरा ओ सहाबी ने जिन्हां दे उत्तों कसीर तादाद दे अंदर हदीसे पाक रवायात कीतियां जांदियां ने। मेरे लजपाल नबी ने अपना दरबार लाया होया है, हजरत अबू हुरैरा खरामा खरामा चलदे मेरे महबूब दी बरगाह दे अंदर आ जांदे ने। जिस वक्त लजपाल नबी ने वेख्या मेरे गुलाम दा चेहरा परेशान है, चेहरे उत्ते परेशानी दे आसार ने। दोस्ता जदों भी कोई मुश्किल वक्त आउंदा है ते दोस्ता जा फिर अपने पीरखाने चले जांदे ने, या कोई ग्रां दे विचों वडेरा बंदा होवे जिहड़ा उस मुश्किल नूं हल कर लैण वाला होवे, उस नोइये दे मुताबिक बंदा उस बंदे नूं तलाश कर लैंदा है। लेकिन कुर्बान जावा सहाबा दी अजमत, सहाबा दे उत्ते जदों भी कोई मुश्किल वक्त आउंदा है मेरे महबूब दी बारगाह दे अंदर आ जांदे ने। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे महबूब दी बरगाह दे अंदर आ जांदे ने। लजपाल नबी ने निगाहे नबूवत दे नाल वेख्या मेरे गुलाम दा चेहरा परेशान है, चेहरे उत्ते परेशानी दे आसार ने। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा अर्ज की लबैक या रसूल अल्लाह, फरमाया अज तेरा चेहरा दसदा है तू परेशानी दे आलम दे अंदर है। हथ जोड़ के मेरे करीम आका दी बरगाह दे अंदर अर्ज करदे ने, सुनिया दुनिया दा ते कोई गम मेरे नेड़े नहीं आ सकता। सुनिया एक ऐसा ऐसी तकलीफ है, एक ऐसी परेशानी है। सरकार ने फरमाया ए ते ओ बरगाह है जिथे कोई परेशान हाल आउंदा है खुशहाल हो जाता है। नारे तकबीर, जाके बोलो नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीर, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। ए ते ओ बारगाह है जिस बारगाह दे अंदर अगर कोई परेशान हाल आ जांदा है ओ खुशहाल हो जांदा है। अबू हुरैरा बयान करना तेरा कम है, तेरी परेशानी दा हल करना मैं मुहम्मद दा कम है। अबू हुरैरा बारगाह दे अंदर परेशानी दसन लगे ने, हाथ जोड़ के अर्ज करदे ने, सुनिया तुसने भी वालदैन की बड़ी अजमत ओ शान नूं बयान कीता है, उस खलके कायनात ने भी अपनी लारैब किताब दे अंदर फरमाया है वकदा रब्बू का अल्लाह ताबदू इल्ला इया हुवा बिल वालिदैन एहसाना। दुहा दे मुखड़े वाले आ खालक ने भी वालदैन दी अजमत शान नु बयान कीता है, या रसूल अल्लाह आपने भी अजमत वालदैन नु बयान फरमाया है। या रसूल अल्लाह मेरी परेशानी दा अज ए गल है, मेरी मां ने कलमा नहीं पढ़िया, दायरा इस्लाम दे अंदर अजे तक नहीं आईया। मेरे करीम आका जदों मैं बाहर तो घर जाना वा खुशी दे आलम दे अंदर जाना वा, लेकिन जदों घर जाना वा अगर कोई मां मेरी आप दी शान दे अंदर कोई ऐसा जुमला बोले दुनिया दी हर तकलीफ ते बर्दाश्त कर सकना वा मेरे करीम आका, लेकिन मैं आप दी शान दे अंदर बोलिया होया कोई जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं लजपाल नबी दी बरगाह दे अंदर अज मैं इल्तिजा लेके आया वा, या रसूल अल्लाह मेरी इल्तिजा है मेरी मां दे वास्ते, ईमान दे वास्ते दुआ फरमाओ। महबूब दी बारगाह दे विच चले जाया करो।
برادران نے ذکر دسنا چاہنا وا میرے کریم لجپال نبی نے یہ گل نہیں آکھی اے ابو ہریرہ کعبہ دے اندر چلا جا بڑا مقدس مقام ہے اتھے جا کے اپنی ماں دے واسطے دعا کر لے لیکن میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر ابو ہریرہ نے التجا کیتی ہے توجہ کرنی ہے میرے لجپال نبی نے اپنے مبارک ہتھاں نو ابو ہریرہ دی والدہ دے ایمان دے واسطے بلند کیتا ہے جس وقت دعا ختم ہو جاندی ہے ابو ہریرہ نے اجازت طلب کیتی ہے دل دے اندر ایسی وسوسی ہے ایسی خودکوتی ہے کیڑا وقت آوے دا گیا میں جا کے ویکھاں دا گیا میری ماں کیڑے حال دے اندر ہے سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ اجازت دیو سرکار نے اجازت دتی ہے ابو ہریرہ بڑی تیز قدمی دے نال چل دے جا رہے نے بلکہ میں نے پڑھیا ہے دوڑنا شروع کر دتا ہے دوڑدے دوڑدے جاندے نے پے رستے دے اندر ایک شخص دے نال صحابی دے نال ملاقات ہو جاندی ہے آکھیا ابو ہریرہ خیریت ہے بڑی تیز قدمی دے نال چل دے جا رہے ہو آکھیا اج میں مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر گیا ہاں جا کے اپنی والدہ دے ایمان دے واسطے دعا کروائیے ویکھنا اج میں چاہنا ہاں پہلے گھر میں جانا ہاں یا میرے نبی دی دعا جاندی ہے جس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے نا دروازہ کھٹکھٹایا ماں نے دروازہ کھولیا نا تے ماں دے لباں اتے جاری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہن تسی اندازہ کرو توجہ کرنی ہے ذرا بندہ عبادت کرے نا عبادت دے نال بندہ ولی بن سکدا غوث بن سکدا ابدال بن سکدا کلندر بن سکدا لیکن صحابی دے قدماں دے نال لگن والی خاک دے برابر بن سکدا نہیں جس پاسے میں توجہ دوانا چاہنا ایک واری پیار نال پھر کہو سبحان اللہ تے سرکار نے حضرت ابو ہریرہ جسے پہنچے نا تے جس وقت صحابی رسول سبحان اللہ تے جا کے ماں دے لباں تے کلمہ سنیا نا تے عرض کیتی پہلے بھی احترام کردے نے ماں دا اجے ماں کافرہ ہے حیا کردے نے احترام کردے نے لیکن جس وقت ماں نے کلمہ پڑھ لیا دل دے اندر ہور محبت ودھ گئی ماں دی برادران نے ذی قدر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاندے نے عرض کردے نے اماں جان تساں نے کیویں کلمہ پڑھ لیا اے تسی کیویں دائرہ اسلام دے اندر آ گئیاں ہو ابو ہریرہ دی والدہ فرماندیاں نے اے میرے لخت جگر اے میرے نور نظر جس وقت دوہا دے مکھڑے والے کول جا کے تو نے میرے ایمان دے واسطے دعا کروائی اے اوئی ولیل زلفاں والا آیا کہ میں نو دولت ایمان نصیب کر گیا ہے اوئی کملی والا یا کہ میں نو دولت ایمان نصیب کر گیا ہے تو برادران نے ذی قدر پتہ ہے چلیا صحابہ نے دسیا ہے ماں باپ دا کتنا حیا کرنا ہے میرے اور تواڈے کریم لجپال نبی نے فرمایا ہے اے صحابہ اگر چاندی ہو اللہ بھی راضی ہو جاوے اللہ دا محبوب بھی راضی ہو جاوے جا کے اپنے والدین نو راضی کر لو خدا بھی راضی ہو جاوے دا گیا مصطفیٰ بھی راضی خدا بھی راضی ہو جاوے دا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاوے دا گیا تو برادران نے ذی قدر آؤ آؤ میں اپنی گفتگو نو کوشش کرنا کہ سمیٹ کے کیونکہ لجپال نبی رب نے بھی والدین دی عظمت و شان نو بیان کیتا ہے اور دوستا اللہ دے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی والدین دی عظمت و شان نو بیان فرمایا ہے میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی جس پاس میں لے کے جانا چاہنا ہوں اگر بندہ عبادت کرے ولی بن سکتا ہے غوث بن سکتا ہے کتب بن سکتا ہے اوتاد بن سکتا ہے کلندر بن سکتا ہے لیکن صحابی دے قدمہ دے نال لگن والی خاک نو نہیں پہنچ سکتا دوستا میں دسنا چاہنا ہوں صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل کر لگا ہوں نبی پاک دی مائیت دے اندر بیٹھن والا صحابہ صفا دا سٹوڈنٹ میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون والا دولت ایمان پان والا صحابی ہے لیکن دوستا ماں دی بے ادبی کیتی ہے ماں دی گستاخی کیتی ہے ماں ناراض ہو جاندی ہے
आ दोस्ता मौत दा वक्त करीब आ जांदा ए सहाबी रसूल ए सहाबा मेरे महबूब दी बरगाह दे अंदर चले जांदे ने जाके अर्ज करदे ने सुनिया आप दा गुलाम है आप दे पीछे नमाज़ां पढ़न वाला है सदका खैरात करन वाला है या रसूल अल्लाह अलकमा दी मौत दा वक्त करीब आ गया है काफी दिन गुजर चुके ने लेकिन अलकमा दी मौत दा वक्त करीब है सकरात दा वक्त करीब है रूह कब्ज़ से अंस भी तो परवाज नहीं पी कर दी या रसूल अल्लाह तशरीफ ले चलो अलकमा दे वास्ते दुआ करो अल्लाह करीम दे मुश्किल वक्त नु आसान फरमा दे। अल्लाह ने सन ओ शाना वाला नबी अता फरमाया जड़ा रऊफ रहीम नबी है सरकार दे सहाबा ने जिस वक्त अर्ज की ना मेरे महबूब चंद सहाबा नु नाल लेके तवज्जो चमदा गया हजरत अलकमा दे घर पहुंचे ते वेख्या अलकमा दे उत्ते मुश्किल वक्त सकरात वाला जाकनी वाला वक्त ते फौरन जाके लजपाल नबी ने अपने मुबारक लब हिलाए ना ते पुछया के अलकमा दे वालदैन किथे ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अलकमा दे वालद दा ते इंतकाल हो गया लेकिन मां अजे जिंदा है आख्या मां नु बुलाओ अर्ज की या रसूल अल्लाह अलकमा दी मां नाराज हो के अलकमा तो अलग रहंदी तवज्जो है कौन सहाबी है कौन मेरा उच्चा बोलो कौन है सहाबी है रसूल है मां नाराज है तवज्जो मां नाराज है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुख्तलिफ रवायत मिलदियां ने चलदे होए खुद उस खातून दे कोल चले गए जाके ते माई दे कोल पुछे आख्या भाई ऐ अम्मा जान अलकमा तुहाडा बेटा कैसा है मां ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह पंज वक्त दा नमाजी है पंज वक्त दा जिहड़ा मैं तुहानू पैगाम देना चाहना मैसेज देना चाहना इस मेरे जुमले दे अंदर तवज्जो करनी है अर्ज कर दी है मां या रसूल अल्लाह पंज वक्त दा नमाजी है सदका व खैरात करने वाला सौमो सलात दा पाबंद है लजपाल नबी ने फरमाया अम्मा जान मैं एक गल नहीं पूछी कि अलकमा कैसा है मैं ये पूछया कि अलकमा दा रवैया तुहाडे नाल किंज दा अर्ज की या रसूल अल्लाह अलकमा बेअदब है गुस्ताख है उसने मैनू सजा दिती है ते लजपाल नबी ने फरमाया अम्मा जान अलकमा नू माफ फरमा दियो अलकमा नू के करो माफ कर दियो अर्ज की या रसूल अल्लाह अलकमा इतनी गुस्ताखी कीती है मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अलकमा नू माफ करा जिस वक्त लजपाल नबी ने माई दे अल्फाज सुने ना सहाबा नू फरमाया ऐ सहाबा जाओ जंगल दे विचों लकड़ियां इकट्ठियां करके ले आओ मां ने सुनिया या रसूल अल्लाह लकड़ियां किस वास्ते आख्या लकड़ियां नू ढेर ला के इकट्ठा करके अग जलाई जाए दी गई और जिंदा तेरी अखां दे सामने अलकमा नू जला दिता जावेगा मां दी ममता तड़प गई आख्या या रसूल अल्लाह मैं अलकमा नू आप दी खातर माफ कर दी हां आप दी खातर के कर दी हां माफ कर दी हां जो ही मां ने माफ कीता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वापस लौटदे ने अलकमा दी दहलीज दे उत्ते कदम रखिया हजरत अलकमा रजी अल्लाह तआला अनहु इस इंतजार दे अंदर ने कि केड़ा वक्त आवेदा गया वद्दुहा दे मुखड़े दी मैनू ज़ियारत होवे दी गई अलकमा ने जिस वक्त चेहरा वद्दुहा नु वेख्या जुबान दे उत्ते अल्लाह ने करम कीता कलमा जारी कर छड़िया अलकमा ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस वक्त अलकमा ने पढ़िया ते रूह कब्ज़ सी तो परवाज कर गई तो बरादरान ने जी कदर जेड़ा मैं मैसेज देना चाहना हां बंदा इबादत दे नाल वली गौश ते बन सकदा है लेकिन सहाबी नहीं बन सकदा दोस्ता दरस ही है अगर सहाबी होवे अगर मां बाप नाराज होवन ना खुदा माफ कर दे ना मुस्तफा माफ कर दे जे अगर ये चाहते हो कि खुदा भी राजी हो जावे तो मुस्तफा की जात भी राजी हो जावे तो फिर दोस्ता अगर वालदैन जिंदा ने ना तो फिर वालदैन का एहतराम कीता कर वालदैन का अदबो एहतराम कर से खुदा राजी हो जावे दा गया और अगर वालदैन दुनिया तो चले जा चुके ने ते उना दे रूह वास्ते इसाले सवाब जिस तरह भाई जान ने महफल दा इहतमाम कीता कुरान पढ़ें दा गया नमाज पढ़ें दा गया मैं हदीसे पाक पढ़ीए हजरत अबू सईद खुजरी रजी अल्लाह ताला अनहो एक ऐसा वक्त आवे दा गया कयामत आला दिन आवे दा गया बंदे दे सामने नेकियां अलग रखियां जान दी गईयां
और एक पहाड़ नेकियां दा। अल्लाह फरमाएदा गया फरिश्ते दसो इस बंदे नू ए भी जड़े नेकियां दे पहाड़ ने ना ए पहाड़ भी तेरे ने। बंदा रब दी बारगाह च अर्ज करेदा गया ए अल्लाह करीम जेड़ा जेड़ा मैं दुनिया ते अमल कीता है उहदा अजर सवाब मैनू मिल गया है या अल्लाह नेकियां दे पहाड़ कित्थों आ गए ने। अल्लाह करीम फरमावेदा गया जिस वक्त तू कबर दे अंदर आया तू गुनाहगार से लेकिन पिछे अपने इज्जत करबात छोड़ के आया अपनी नेक औलाद छोड़ के आया ओ तेरे वास्ते दुआए मगफरत करदे ने करदे रहे ने मैं उन्हां नूं नेकियां दा पहाड़ बना छड़िया है। दुआ है दुआ है उस रब्बे करीम दी बारगाह दे अंदर कि अल्लाह करीम मेरे ये टुटे फुटे अल्फाज अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूल मंजूर फरमाए जिड़ी आया मुबारक में तिलावत कीती है मन आमिला सवालिहम मिन जकरिन औ उनसा वहुवा मुमिनुन फलनुहजन्नहु हयातन तय्यबा जड़ा ऐसी अमल कर रहे हैं मुस्तफा करीम दी महफल सजाई है। अल्लाह करीम इस जिक्र मुस्तफा दे तसद्दक दे नाल और अज दी इस बाबरकत रात दे सदके नाल बरादरे मुकर्रम दे वालदे ग्रामी नज़र मुहम्मद मरहूम नू जन्नतुल फिरदौस चो आला मकाम अता फरमाए और उन्हां दे तमाम पसंदगान नू सबरे जमील अता फरमाए। अगर मेरे बोलण दे अंदर बयान दे अंदर कोई लफजी या मानवी गलती है अल्लाह करीम अपने महबूब दे तसद्दक दे नाल